रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी साइको परीक्षा का हम ब्रिक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं और ये ब्रिक टेस्ट आपका क्लास कम आपका टेस्ट भी है, जिसमें आठवां ये वीडियो है। सात तक हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट की ऐसे करना है, इसका आंसर ऐसे होगा। यहाँ हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन एक साथ, यानी सेट की संख्या होगी 4, 1, 2, 3, 4 और चारों सेट में एक सेट में 5 क्वेश्चन है, तो 5 प्रश्न को अगर हम मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 20 प्रश्न। इसके बाद आपको शायद क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट आपको डेवलप करना है बस। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप सेल्फ, उसके बाद भी क्लास जारी रहेगा। और ये वीडियो नंबर 8 है साइको क्लास का, तो जिसका 7 क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत से दोस्तों का एक सवाल आ रहा है कि RDSO के वेबसाइट पे ये सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान से देखिए, RDSO वेबसाइट आप देख रहे होंगे, वहाँ ASM और ALP दोनों की साइको का कॉम्बाइन लिस्ट है, उसको आप देख रहे होंगे। और ध्यान से आपको देखना है ALP की साइको की लिस्ट, तो ALP की साइको की लिस्ट देखेंगे तो ओवरव्यू पे आप नहीं जाके एक्चुअल पे जाएंगे, तो आपको एक्चुअल बातें पता हो जाएगी। अगर नहीं आपको मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दिखाऊंगा कि कहाँ ALP की साइको स्पेशल दिया हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि हम कंसेप्ट पे आएँ, कुछ लोगों का अपना अपना प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम रूल जो बताए थे, तो कुछ लोगों का क्वेरी आया था ब्रिक टेस्ट में रूल हिंदी में बताए थे, इंग्लिश में बता दीजिए। देखिए, रूल बेसिक कुछ डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन सबसे पहला कंडीशन है कि लेंथ, विड्थ और हाइट सारे ईंट की बराबर होती है, ऑल ब्रिक्स आर इक्वल लेंथ, विड्थ एंड हाइट। दूसरी कंडीशन है ऑल ईंट्स एंड ऑल ब्रिक्स पैरेलल टू ईच अदर फेस, सभी का फेस पैरेलल होता है, उसके कॉर्नर टच को नहीं काउंट किया जाता है। बस तीन ही चीज़ को आपको देखना है, उसके बाद आप इसको अनुमान लगाना है कि हाइडन पार्ट किससे टच कर रहा है। बस इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखते जाएंगे तो आसानी से आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ टेस्ट लाए हैं। टेस्ट में क्या होता है, मैं आपको पहले प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, उसके 5 ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, आप आंसर उसको एक बार बता देना कि इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5 का। अगर एक मिनट में आप नहीं बताते हैं तो इस प्रश्न में हमें टोटल तरह से ब्रिक टेस्ट में हमें टेस्ट को कैसे बढ़ाना है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक फिगर को आकृति और आंसर क्वेश्चन दोनों आपको सामने नहीं रखेंगे, आंसर आपसे छुपा लिया जाएगा। तो आंसर हमारे पास है भी नहीं, हम भी आप ही के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो छुपाने की बात ही नहीं है। तो डायरेक्ट आपको थोड़ी सी टाइम दे देते हैं कि आप एक एक प्रश्न को हल कीजिए। तो चलिए एक एक चलते हैं। तो पहले हमारे पास ब्रिक टेस्ट का पहला सेट ये है, सेट नंबर 1 है, इधर सेट नंबर 2 है, उसके बाद नीचे 3 और 4 है। तो 1 के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका ईट ए कितने से टच करेगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए या अपने टेस्ट के लिए अपने पेपर में लिख लीजिए। उसके बाद 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, यानी ईट ए बी सी डी ई कितने का टच हो रहा है। तो आप ए से शुरू कर सकते हैं अपने हिसाब से, और नोट कर ले एक बार, थोड़ी सी आपके टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इसको कि कितने ईंट को टच कर रहा है। तो कुछ लोग अपने हिसाब से करेंगे कि इसको इतने करना है, कोई 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 5 भी बताएगा, कुछ लोग 2 भी बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये टच ही नहीं हो रहा है, हो सकता है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन ध्यान से देखिएगा इसमें एक्चुअल कितनी टच हो रही है वो बतानी है। तो चलिए, कुछ लोगों का अब सवाल शायद हो गया होगा, बहुत कम समय में आपको जवाब देना है ए बी सी डी ई। तो चलिए हम ए से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइज थोड़ा और बढ़ा लें, और ईंट ए से शुरुआत कर रहे हैं, ईंट ए कितने का टच होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, 1, 2, कुछ लोग इसे भी टच कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये इसी ईंट का पार्ट है, कोई अलग का ईंट नहीं है। तो 2 ईंट यहाँ से टच हो रहे हैं और 2 इसके बैक साइड से टच हो रहे हैं, तो ईंटों की टोटल संख्या कितनी हो रही है, 4। तो ए ईंट 4 ईंट से टच होगा।
अब उसके बाद बी की बात आई, तो बी कितने से टच हो रही है, तो बी के बारे में आप जितना कैलकुलेट कर लिए होंगे तो इसे भी हम एक बार काउंट कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले एक दो तीन चार, तो कुछ लोग बोल रहे हैं चार ही से कंट टच हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ईंट इधर की तरफ जाएगी वो इस लाइन तक जाके टच होगी, तो इस ईंट के पार्ट को भी टच करेगा, तो इस ईंट को बोलेंगे पांचवा ईंट। तो बी ईंट कितने को टच करेगा, पांच को करेगा। उसके बाद हम सी की बात करेंगे, सी ईंट कितने को टच करेगा, तो सी के लिए आप आ जाइए, तो ईंट सी की संख्या देखें कहाँ है, ये है इस सेंटर में है, तो सबसे पहले तो इस ईंट को टच करेगा, दूसरी बार ये नीचे वाले पार्ट को टच करेगा, बी वाले को टच करेगा, तीन ईंट तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट हो गए। अब अनुमान लगाइए कि इसके अलावा दो ईंट और कहाँ टच करेगा, तो ऊपर से आप देखें ए ईंट और ए ईंट जब नीचे की पार्ट में आएगा इस लेवल पे, तो यहाँ भी नीचे भी दो ईंट ऐसे ही बनेगा और ये दोनों ईंट को नीचे की तरफ भी वो सी ईंट टच करेगा, तो ईंटों की टच करने की संख्या यहाँ पे भी पाँच हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास डी ईट की सवाल है, डी ईट कितने को टच करेगा, तो डी ईट का अपना फेस देखिए यहाँ से, इसे कलर एक बार मैं चेंज कर दूँ फिर से आपको समझने के लिए। अगर डी ईट की बात करेंगे तो देखिए इसका अपना फेस ये है, सेल्फ फेस है, ये भी सेल्फ फेस है, ये दोनों को आपको नहीं काउंट करना है। तो आप काउंट कर लें, एक इधर से, एक नीचे से दो, और एक आपका दो ईट सामने की तरफ से हो गया, और डी का एक ईट इधर से, तीन ही ईट को टच करेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे तीन ही क्यों, ए ईट और ए ईट कहाँ जाएंगे, तो आपका ये सेम इसी का पार्ट रिपीट कर रहा है, देख सकते हैं ईंट यहाँ से चल के यहाँ तक आ रही है, तो डी ईंट कितने को टच करेगी, थ्री को टच करेगी। उसके बाद ई की बारी आई, तो ई ईंट कहाँ पे है आप इसको देख ले एक बार ध्यान से, तो ये ई ईंट को देखेंगे तो ई की ईंटों की संख्या कहाँ, यहाँ पे है, समझ लीजिए कंसेप्ट को, आपको इतनी स्लो नहीं करनी है, फास्ट करनी है एग्जाम में। तो ई ईंटों की संख्या आप देखें, तो ई देखिए कहाँ कहाँ टच करेगा, तो एक बार देखें एक साइड फर्स्ट ईट टच करेगा, उसके बाद डी वाला को करेगा टू हो गया, उसके बाद बी को करेगा थ्री हो गया, इसके अलावा कोई भी ईट नहीं टच करेगा, इधर से ब्लॉक, इधर से ब्लॉक, ऊपर से ब्लॉक, यानी पाँच का आंसर तीन, तो ये आंसर आपके हो गए चार पाँच पाँच तीन तीन, ये ईंटों की संख्या हो गई। अब बात करते हैं दूसरे फिगर में, दूसरा फिगर में भी आप जवाब इतनी देर में दे सकते थे, मैंने इसको ओपन रखा हूँ इस पर एडजस्ट करके। तो सबसे पहले हमें ईंट ए को पता करना है कितने ईंट को टच करेगा, तो सबसे पहले आप ईंट ए को देखेंगे तो ईंट की लोकेशन ये है और इसी का सेम फेस यहाँ पे बना हुआ है, तो कितने को टच करेगा वो देखना है। सबसे पहले इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, दो ईंट हो गए, एक नीचे की तरफ हो गया, तीन ईंट, और ईंट कोई टच कर सकता है क्या, तो नहीं, तो सिक्स नंबर का जवाब थ्री हो गया। उसके बाद बी की बात करेंगे, तो बी का आप देखें, बी को किसको किसको टच कर सकता है ईंट संख्या बी, तो बी को आप देखेंगे तो एक ईंट इधर से, एक ईंट इधर से, एक ईंट इधर से, तीन डायरेक्ट, और चौथा ईंट देखिए यहाँ से ई के पीछे वाला भाग, जब बी इधर से आएगा वो, या आप यहाँ से ले ले, इसके नीचे वाला भाग जैसे ही नीचे जाएगा इसके नीचे वाले भाग से टच करेगा, तो ईंटों की संख्या टोटल हो जाएगी चार। उसके बाद हम बात करेंगे सी ईंट की, तो यहाँ पे हम जानेंगे ईंट सी के बारे में, तो सी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी लेकिन क्लियर हो चुका है, ईंट सी क्वेश्चन आठ का पाँच से टच करेगा, यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन हमने नहीं मेंशन किया था इसलिए प्रश्न गलत हो रहा था, तो यहाँ से देखें एक दो तीन चार और इसके इधर से पाँच, तो सी पाँच हो जाएगा, चार नहीं पाँच होगा, ये करेक्शन है मेरे तरफ से, तो आगे हम इसी तरह सभी को करते हैं। हम डी की बात करेंगे, तो डी ईंट आप देखें सबसे पहले, तो डी ईंट की लोकेशन सबसे किनारे है, तो किनारे किनारे पर रहने पर कम ईंट टच होता है, तो एक देख ले ई से टच हो रहा है, सी से टच हो रहा है, और इधर वाले भाग से टच हो रहा है, पूरी तरह से कवर है, तो डी में ईंटों की संख्या हो जाएगी तीन। उसके बाद ई की बारी आई, तो ई के लिए आप देख ले तो वन टू थ्री और एक ईंट इसके जस्ट पीछे वाला, पीछे से ब्लॉक करेगा इसके साथ साथ, तो वो कौन सा ईंट हो सकता है,
बी के बैक साइड वाला ईंट होगा तो ईंटों की संख्या 10 में 4 हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल गया ए का 3, बी का 4, सी का 4 या 5। ध्यान दीजिएगा इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ साइज के लोकेशन ऐसे 4 होना चाहिए और आपका आपके पास 9 का मिल गया 3 और 10 का मिल गया 4। तो राइट आंसर कंप्लीट। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न 11 से 15 के लिए हमारा ईंट का शेप और साइज दोनों यहाँ पे है। अब इसमें आपको बताना है कि ए ईंट, बी ईंट, सी ईंट, डी ईंट कितने का टच हो रही है। तो एक बार अपने हिसाब से आप इसे काउंट कर लें, अच्छे से काउंट कर लेंगे तो कुछ ना कुछ इसका आंसर मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा इस टाइप के प्रश्न में एक आध मिस्टेक होती है, इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो गलती सबसे होगी, हमसे भी होगी, आपसे भी होगी। तो ध्यान कंसेप्ट पे रखना है, एक आध क्वेश्चन गलत होते हैं उसको ध्यान नहीं देना है, स्पीड भी मेंटेन रखना है और अच्छे से करना है कि कुछ गलतियाँ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ऐसा नहीं कि 5 प्रश्न किए 5 में से 2 गलती हो गया, तो ऐसा नहीं है। 10 में से एक आध होता है तो चलेगा, क्योंकि स्पीड आपको बनाए रखना है। तो यहाँ पे 11 नंबर में हम चलें, आप लोगों ने सवाल देख लिया होगा। तो चलिए हम ए ईंट के लिए सबसे पहले काउंट करते हैं। तो ए ईंट किससे टच होगा, सबसे पहले ई से होगा, इधर ई सीट से होगा, ई सीट से होगा। तो 3 ईंट सामने से हो रहा है और 2 ईंट आप यहाँ से देख रहे हैं, डायरेक्ट ही दिख रहा है। इस फेस को अगर इधर की तरफ से देखेंगे तो 2 ईंट यहाँ से हो रहा है। तो ईंटों की संख्या कितनी हो गई, 5। उसके बाद बी में करें तो बी किनारे पे है, तो किनारे पे हमेशा सबसे कम होता है, तो 1, 2 एंड 3। तो 3 ईंट की संख्या हो गई बी में। उसके बाद सी में बात करेंगे तो इसको कलर हटा देता हूँ। अब सी में देखिएगा, सी बिल्कुल सेंटर में है तो सबसे ज़्यादा इसी में टच होगा। तो कौन सा टच होगा, आपको पहले ए नीचे इस साइड में, इसके ऊपर और इसके ऊपर। कितनी ईंटों में टच हो गया सी, 5। लेकिन ये सफिशियंट है क्या, सी की लंबाई में देखेंगे तो लास्ट में आके ये ईंट किस में टच होगा, इसके और इसके जो अंदर में साइड ईंट में होंगे वो दोनों में जाके टच कर सकता है। क्योंकि यहाँ से आप देखें, यहाँ से टच हो रहा है यहाँ से, तो 5, 2, 7। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि क्या 7 ही टच होंगे। अब यहाँ से देखें सी के साइड में ए ईंट के नीचे वाला टच होगा या नहीं, तो होगा। तो ईंटों की संख्या आप एक बार फिर से रिवीजन कर ले, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप ध्यान से देखें, ये ईंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस ईंट के निचले पार्ट से नहीं टच होगा। ध्यान से, ये गलती से मिस्टेक से हो रहा था, इस ईंट के निचले पार्ट से टच होगा। तो ईंटों की संख्या हो जाएगी सी के लिए 7। एक मिस्टेक होने वाला था जो बच चुका है। तो हमने ई डायरेक्ट इससे लिया, ई की लाइन देखे आप यहाँ से तो इसकी ऊपर लाइन है और कॉर्नर टच माना नहीं जाता, तो यहाँ पर ईंटों की संख्या हो गई 7। उसके बाद डी ईंट के लिए आएंगे, तो डी ईंट के आप देखें तो डी ईंट भी कॉर्नर पे है तो कम से कम टच होगा। तो एक ईंट ई वाला, एक ईंट ए वाला और एक ईंट ए वाला, तो डी के ईंटों की संख्या 3 हो। तो अब ईंट ई के लिए काउंट कर लीजिए। तो ईंट के लिए काउंट होगा 1, 2, एक ऊपर से 3 और उसके साथ साथ एक नीचे वाला देखेंगे तो सी, 4 हो गए। और ई का पार्ट एक बार अगर देख ले तो एक ईंट यहाँ टच हो रहा है, तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और पूरी आंसर को आप देखना चाहें तो ए ईंट टच करेगा 5 को, बी करेगा 3 को, आपका सी करेगा 7 को और डी करेगा आपको 3 को। तो ये रहा आंसर आपके 11 से 15 का। उसके बाद लास्ट प्रश्न इसमें है जिसको 16 से 20 कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर आपके सामने था और बहुत आसान से सवाल है। इसमें केवल बीच में ईंटों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए टच होने की संख्या भी उसी अनुसार से रहेगा, एवरेज बनेगा। तो सबसे पहले ये क्या, तब हमारे पास 16 से 20 में अगर देखेंगे तो ए ईंट के बारे में है। सबसे पहले हमें ए ईंट को पता करना है। तो ईंट ए किससे टच हो रहा है, 1, 2, 3 और एक ईंट पीछे से टच होगा जो इसके नीचे वाला ईंट होगा। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4।
उसके बाद बी में अगर देखना चाहें तो बी भी इसके साइड में है, तो बी का सबसे पहले आप देख लीजिएगा, बी का अपना फेस इधर है, इसको क्रॉस कर दीजिए क्योंकि वो भी काउंट हो जाता है कई बार। तो एक ईंट यहाँ से हो गया, दूसरा ईंट इसके नीचे से और तीसरा ईंट यहाँ से, तीन ईंट हो गए। अब इसको बी की संरचना में देखेंगे तो एक ईंट इससे टच करेगा यहाँ से बैक साइड से, और एक ईंट ई से टच करेगा बैक साइड से, यानी ईंटों की संख्या हो जाएगी पाँच, किसके लिए, बी के लिए। उसके बाद अगला ईंट हम इसमें सी को ले लें, तो सी को आप देखेंगे कॉर्नर की ईंट है और कॉर्नर की ईंट जनरली कम करता है। तो सबसे पहले इसका अपना फेस है एक दो तीन और इधर से चार, बिल्कुल आसान सा ईंट था, तो चार आपका आंसर मिल गया 18 का। उसके बाद 19 का डी के काउंट करना चाहें तो डी भी कॉर्नर पे है, तो यहाँ से आप देखें वन टू, टू ऊपर से हो रहा है और एक इसके नीचे वाला पार्ट, इसके ईंट यहाँ जाएगी नीचे में, तो इसके अगला ईंट जो आएगा वो डी से टच होगा, यानी ईंटों की संख्या थ्री हो जाएगी। उसके बाद ई की बात करें तो ई सबसे आपके कॉर्नर में यहाँ इस साइड में है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले एक दो तीन पार्ट आपके सामने आ रहे हैं। अब इसको एलिमिनेटेड करके पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ ईंट इसके पार्ट वाले टच किस तरह से होंगे इसको आपको देखना है। तो इस ईंट को देखेंगे तो इसके पीछे से कौन से ईंट टच हो जाएंगे, तो यहाँ तक बी तक तो सही था, उसके बाद यहाँ से एक ईंट इसकी टच होगी, तो ईंटों की संख्या चार होनी चाहिए। इसमें भी प्रश्न हमने बुक में देखा है, पाँच दिया हुआ है, तो ईंट पाँच कैसे टच होगा उसको आपको यहाँ से ढूंढना है। पाँचवा ईंट यहाँ नहीं दिख रहा है, एक ही ईंट दिख रहा है। हाँ, ईंट की आप संख्या आप देखें कैसे पाँच होगा, एक ईंट बी में भी टच करेगी। जब इस लाइन को आप इधर की तरफ लाएंगे, इस तरह से ईंट को बनाएंगे बी को, तो ये बी क्रॉस करते हुए ई सीट को टच करेगा, तो कह सकते हैं ये ईंट टच होगा एक दो और एक तीन और उसके बाद एक चार, क्योंकि ये ईंट पूरी तरह से यहाँ तक आ रही है और उसके बाद ये ईंट के सामने वाला इस वाटा ईंट का नीचे वाला फेस, यानी ईंटों की संख्या हो जाएगी पाँच। तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें हमने जो बात किया, तो चार पाँच चार, 18 का चार, सी का चार है और 19 का थ्री, ये आंसर रहा इस वीडियो का। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं सारा का आंसर कैसे होगा। तो आपने ये सेट फोर का आंसर देख लिया, ए का फोर, बी का फाइव, सी का फोर, डी का थ्री और ई का फाइव। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेट थ्री का, तो सेट थ्री में हमारा आंसर 5 3 7 3 5 लास्ट तक का ए बी सी डी ई के लिए हो गया। उसके बाद हम सेट बात करेंगे 6 से 10 के लिए, तो 3 4 5 3 4 ये आंसर है। उसके बाद 1 से 5 के लिए बात करेंगे तो 4 5 5 3 3 और कुछ मिस्टेक होता है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखते वक्त ईंटों की संख्या कई बार गड़बड़ होती है, इसीलिए कहा जाता है डेप्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपकी डेप्थ गहराई की सोच के बारे में ये ईंट व्याख्या करता है। तो इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है और वीडियो बनाते वक्त खास करके आपको इस पे कंसंट्रेट रहना और थोड़ी सी आपको बोलना और आपको समझाना और गिनना, तीनों एक साथ काम करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे सब लोग की सहूलियत हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।